नरेंद्र मोदी को जो वोट दीजिएगा तो कटोरा में भीख मांगना पड़ेगा। से आप MLA को देते हैं जिस क्षेत्र को, विधानसभा को, आपका मुद्दा आपका क्षेत्र है कि दिल्ली है क्या? हमारा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है कि यहाँ के लोगों को हमको दोनों हमारे हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए। हाँ 100% प्रधानमंत्री मोदी कोई भी हो, हमें को मोदी की जरूरत थोड़ी है, मोदी हो या कोई भी हो, 100% ये जरूरी है कि देश के लिए तो मोदी है, ठीक है, देश के लिए मोदी, देश के लिए अच्छा मोदी है। रामप्रीत जी को जाना ना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है ना, यहाँ क्षेत्र के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 100% मैं मोदी को वोट देने वाला हूँ, लेकिन मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आकर अपने विधायकों को कम से कम नहीं सकते हैं, नहीं अपने विधायक को ये समझाइए कि वहाँ विकास कैसा होगा। गरीबों को चाहिए क्या क्यों गरीब इंसान नहीं है क्या? आप एयर कंडीशन में घूरते हैं, प्रधानमंत्री जी सुनिए, आप एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, आप बड़े बड़े ऑफिस में अपनी प्रोग्राम बैठ कर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, क्या गरीब को इतना भी हक नहीं है जो रास्ते पे सही ढंग से चल सके, या गरीब को इतना शौक नहीं है जो उनके, मोदी क्या करे भाई? मोदी नहीं करेगा तो उनका जो सिस्टम में आदमी है, आप जो बैठाए हैं, आप ही का ना भाई, आप ही का ना MP होता है, आप ही का पार्टी का MLA होता है, फिर तो आप लोग जिता ही दीजिएगा। लोगों को पेंशन मिले, लेकिन लोगों को नहीं, लोगों को पेंशन मिले, ये मोटा मोटी कुर्सी लूज कर, लेकिन जनता मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमारी कुर्सी बची रहे। तो यही नाम पे तो आप लोगों से वोटे लिया जा रहा है कि दिल्ली में काम हो रहा है, इसी नाम दिल्ली में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के हम लोग 100-100 बार नमन करते हैं, और प्रधानमंत्री जी जहाँ से लड़ेंगे वहाँ विजय होंगे ही, निश्चित बात। प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से तो जिताना ना पड़ेगा, रामप्रीत मंडल जिताना पड़ेगा। हम लोग वोट NDA को देते हैं, आपको फेर बदल करने के लिए नहीं देते हैं। आप जनता के बीच में आए, कभी जनताओं से पूछा जो आपने जो मुझे NDA को वोट दिया, मैं जा रहा हूँ दूसरे दल में, इस बार दिल पे पत्थर रख के दीजिएगा वोट। नहीं है नाराजगी RP मंडल से है। अच्छा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सुमन महासेठ को जिताइएगा? जिताएंगे ना भाई, जिताएंगे, जिताएगा। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला में, और आपको बता दें कि मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर के राज मैदान में अभी हम, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पधारे हैं, और अभी वो पधार करके यहां से चले गए। बड़ी भाषणबाजी हुई है, लोगों की भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 3,500 से 4,500 लोग यहां पर पहुंचे। बड़े नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भीड़ क्यों कम हुई, ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। और आखिर क्या वजह है कि रामप्रीत मंडल जी से लोगों के अंदर नाराज़गी है? खैर, इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग पहुंचे थे, इनमें से कुछ लोग यहां पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ विचार है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश संझा है। सुरेश जी, आज JP नड्डा जी पहुँचे थे, सम्राट चौधरी जी पहुँचे थे, कहा जा सकता है BJP के सबसे बड़े नेता में से एक नेता यहाँ पहुँचे थे, इसके बावजूद देखा गया कि मुश्किल से 4,500 लोग भी यहाँ पर नहीं पहुँचे होंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, कितने लोग रहे? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप अपने माध्यम से जनताओं की आवाज़ को, जनताओं को, भीड़ को, और राष्ट्रीय नेता जो आए हुए थे उनकी आवाज़, उनकी भाषण को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। मैं सुरेश संझा, नगर पंचायत घोवाढ़िया है, फुलपरास विधानसभा और झंझारपुर लोकसभा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का हम नगर महामंत्री हैं, उससे पहले हम अध्यक्ष हुआ करते थे, इसे महामंत्री में हम पिछले मरतबे हम लोग रामप्रीत जी को वोट दिए, गठबंधन की सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव हुई, हम लोग तन मन से पूरा काम किए, क्षेत्र गए, गाँव गए, मोहल्ला गए, हर कस्बे गए, हर जात के यहाँ गए, और आदरणीय परमादरणीय नरेंद्र मोदी के नाम हम लोग वोट दिए, चुनाव ये जीत गए। 5 साल के बाद, चुनाव जीतने के बाद आज तक हम लोग हाल में भी हुआ है नॉमिनेशन में हम लोगों को भी सूचना नहीं मिली, नॉमिनेशन है आप लोग आइए। यह लोग तो चाहने वाले लोग हैं, ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं चले जाते कि आ जाते, लेकिन जब पार्टी का व्यक्तिगत इनका छवि क्षेत्र में इतना गंदा हो गया है, काम वाम नहीं किए हैं, कुछ नहीं काम किए, और एक बार तो हमारे यहाँ घोवाढ़िया टू अररिया सगाव 18-19 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्घाटन थे, सरकार की गठबंधन टूट गई, तो ये इन्होंने गाली दिया मोदी जी को, प्रधानमंत्री को गाली, क्या गाली? इन्होंने कहा जो नरेंद्र मोदी को जो वोट दीजिएगा आने वाला चुनाव, 6 महीना पहले बताए थे, नरेंद्र मोदी को जो वोट दीजिएगा तो कटोरा में भीख मांगना पड़ेगा। ये बात रामप्रीत मंडल राम खुद बोले, वहाँ प्रधानमंत्री भी थे, हम लोग भी थे पीछे में, हम दौड़ गए। प्रधानमंत्री जी कैसे रहेंगे वहाँ? प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री नहीं बोले, हम बोले सीरा मंडल जी थे। अच्छा। प्रधानमंत्री, अच्छा, परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री थे सीरा मंडल जी, बिहार सरकार के जो है, ये रामपद जी थे, और बहुत सारे नेता थे जनता दल यूनाइटेड के, हम लोग भी गए थे। जी बड़े दिल के नेता है, माफ कर दिए होंगे? हाँ, हो गए, और चुना
अमित शाह जी बताए थे, इससे बहुत जबरदस्त भीड़ थी अमित शाह के प्रोग्राम में, जनकपुर में आए थे, उन्होंने कहा था सारा दरवाजा बंद है, नीतीश जी के लिए सारा दरवाजा बंद है, खिड़की लॉक है, बड़ा बड़ा कील मार दिए हैं, आने का कोई रास्ता नहीं है। छह महीना में पलटू राम के साथ चले गए, इसीलिए ये आक्रोश है। तो आप लोग फिर, लेकिन आप लोग समर्थन में ही आ रहे हैं? नहीं, फिर नहीं, हम लोग इनको सुनने के लिए आए हैं। तो वोट दीजिएगा आप। देखिए ये कार, ये हम लोग सुनने के लिए आए हैं, ये क्या बोलते हैं लोगों का, बीजेपी को ना दीजिएगा। देखिए बीजेपी, आप बीजेपी में हमारे पूर्व MLC थे, 12 बजे रात में फोन कीजिएगा जो भाई सुमन जी आप कहाँ हैं। सुमन जी तो आप इंडिया गठबंधन से हैं, लेकिन कौन कहता है जब पलटू राम पलट गए तो ये भी चुनाव जीतने के बाद फिर बीजेपी में चले जाए। तो आप लोग उन्हीं को जिताने के लिए आए हैं, दिल बनाए हुए हैं, दे देंगे बीजेपी के प्रोग्राम में आकर के। इंडिया महागठबंधन की तरफ दिल है, आपका क्या है बताइए? हम यही कहता है, जब ये कैंडिडेट सबको समझता है कलकत्ता है, वो भी कलकत्ता को खोई नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग किसी को। नाराजे चल रहे हैं? हाँ नाराजे चल रहे हैं, नाराज होने वाले लोग यहाँ आ गए। यही बात, जो घर में चुपचाप बैठे रहेंगे, कैंडिडेट नहीं आएंगे तो उसको वोट नहीं मिलेगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम गिरजानंद मिश्र है। आप भी नाराज चल रहे हैं? अब देखिए मेरे भाषण से आपको पता चल जाएगा जो मैं क्या क्या बताइए। मैं पूछता हूँ आपसे, ये हमारे MP 5 साल रह चुके हैं, हैं? 5 साल में ये जनता के अधिकार को, मैंने अपना अधिकार इनको दिया, मेरा वकालत जाकर के कीजिए लोकसभा में, जो मेरे पास क्या कठिनाई है, लेकिन इन्होंने आज तक 5 साल में 5 मिनट समय भी नहीं। कश्मीर से 370 हटा दिए, कश्मीर से 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, अब आप लोग ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कृपा है। अब क्या चाहिए आप लोग? देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कृपा है, लेकिन क्षेत्रीय नेता होने के नाते आपने क्या किया? आपको क्षेत्रीय काम भी चाहिए और वहाँ का भी काम। वाह वाह वाह, क्षेत्र का काम नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? नल जल योजना फ्लॉप है बिहार में, वृद्धजनों को 200 रुपया बिहार सरकार देती है और 200 रुपया सेंट्रल सरकार देती है, क्या इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है? लेकिन आपका ध्यान है किसके ऊपर? तो विधायकों को पेंशन मिले, लेकिन लोगों को नहीं, जनों को पेंशन मिले, ये मोटा मोटी कुर्सी लूज कर, लेकिन जनता मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमारी कुर्सी बची रहे। तो यही नाम पे तो आप लोगों से वोटें लिया जा रहा है कि दिल्ली में काम हो रहा है, इसी नाम पे दिल्ली में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के हम लोग 100-100 बार नमन करते हैं और प्रधानमंत्री जी जहाँ से लड़ेंगे वहाँ विजय होंगे ही, निश्चित बात। प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से तो जिताना ना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा। हम लोग वोट NDA को देते हैं, आपको फेर बदल करने के लिए नहीं देते हैं। आप जनता के बीच में आए, कभी जनताओं से पूछा? जो आपने जो मुझे NDA को वोट दिया, मैं जा रहा हूँ दूसरे दल में, इस बार दिल पे पत्थर रख के दीजिएगा वोट, दिल पे पत्थर रख के इस बार इंडिया को दीजिए। देखिए मैं क्या करूंगा, ये करना तो वही पड़ेगा, ऑप्शन ये इसका नाम है दुख तो मोदी जी को जिताने के लिए, आपको क्या ऑप्शन है? इसका नाम है, कहीं हो सकता है वही एक सीट सरकार गिर जाए, इसका नाम है गुप्त मतदान। ये हाल है, कैंडिडेट से भारी नाराजगी। ठीक है, आपकी बात समझ गए। एक तो कौन मांगे रामकृष्ण मंडल से पानी पीने, रामकृष्ण मंडल से, रामकृष्ण मंडल से तो पानी पिए, पानी नहीं दिया। तो ये मोदी से नहीं है, नाराजगी RP मंडल से है। अच्छा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सुमन महासेठ को जिताइएगा? जिताएंगे ना भाई, जिताएंगे, जिताएगा। आप लोग मतलब बीजेपी के प्रोग्राम में आकर के इंडिया महागठबंधन के चले वाले बीजेपी के MLC थे, मतलब उम्मीद है कि फिर बीजेपी में चल जाएंगे? हाँ निश्चित जाना, वो हम लोग कहेंगे वो करने के लिए। इंडिया महागठबंधन के लिए भी खतरे की घड़ी है ये, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, चाहे वो NDA हो या जो भी हो, हम लोग कोई पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। बट प्रोग्राम में आए हुए हैं, लेकिन ठीक है आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं, हम उसको नहीं देखने आए थे, उनको एक्चुअली मोदी के नाम से तो हर कोई आ जाते हैं। लेकिन कहना यही है कि जिस प्रकार से अभी गांव में काम चल रहा है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े शहरों में काम करने से नहीं होता है, आप जमीनी स्तर से आइए, वहाँ गरीब नहीं होता। देखिए राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, आतंकवादी खत्म, नहीं वो बात नहीं है ना, अरे सुनिए ना, वो बात नहीं है। आप जो कहते हैं कि आप आपका सब खत्म, नहीं नहीं नहीं, आप जो कहते हैं कि विकास की बात करते हैं कि हमारे विश्व में नाम चल रहा है कि हमने विकास कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाए हुए हैं, आप हमारे गाँव में आकर देखिए। मैं बाहुबली विधानसभा के मुरादी पंचायत के 14 नंबर वार्ड सदस्य हूँ, 14 नंबर का वार्ड सदस्य हूँ।
वहाँ हमारे गांव में आके आप रोड देखिए और वहाँ रोड की स्थिति देखिए। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो एक बार जरूर आइए, अगर उसके बाद आप कहिएगा कि आप स्वच्छता नहीं है। तो रोड देखिए ना भाई, सारा बिहार में रोड बन चुका है, लेकिन टिकुलिया से लेकर के मोगलाहाट तक जब वोट आता है तो थोड़ा जैसी भी ला करके यहाँ पर मैं खोर कार कर देता है, उसके बाद में फिर जो हो वैसे चुनाव के टाइम आकर भाषण करने से और वोट मांगने से हर चीज़ नहीं होता है। आप जमीनी स्तर पे आइए, जो देखिए अमीर आदमी वोट नहीं देता है 100%, गरीब आदमी वोट देता है। गरीबों के बात सुनिए, गरीबों को जो दिल का बात होता है उसको जानिए। गरीबों को चाहिए क्या, क्या चाहिए, क्यों गरीब इंसान नहीं है क्या? आप एयर कंडीशन में घूरते हैं, मंत्री जी सुनिए, आप एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, आप बड़े बड़े ऑफिस में अपनी प्रोग्राम बैठ कर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, क्या गरीब को इतना भी हक नहीं है जो रास्ते पर सही ढंग से चल सके? या गरीब को इतना शक नहीं है जो उनके मोदी क्या करे? मोदी नहीं करेगा तो उनका जो सिस्टम में आदमी है, आप जो बैठाए हैं, आप ही का ना भाई, आप ही का ना एमपी होता है, आप ही का पार्टी का एमएलए होता है, फिर तो आप लोग जिता ही दीजिएगा उन क्षेत्र को। तो समझिए जहाँ से आप एमएलए को देते हैं, जिस क्षेत्र को, विधानसभा को, आपका मुद्दा आपका क्षेत्र है कि दिल्ली है क्या? हमारा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है कि यहाँ के लोगों को हमको दोनों हमारे हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए। हाँ 100% प्रधानमंत्री मोदी कोई भी हो, हमें को मोदी की जरूरी थोड़ी है, मोदी हो या कोई भी हो, 100% ये जरूरी है कि देश के लिए तो मोदी है, ठीक है, देश के लिए मोदी, देश के लिए अच्छा मोदी है। रामप्रीत जी को जाना ना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है ना, यहाँ क्षेत्र के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 100% मैं मोदी को वोट देने वाला हूँ, लेकिन मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आकर ये अपने विधायकों को कम से कम नहीं सकते नहीं, अपने विधायक को ये समझाइए कि वहाँ विकास कैसा होता है। ये हालात है, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी से किसी को नाराजगी नहीं, सब चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे सभी को नाराजगी है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है तो इसके लिए लोगों को वोट तो उनके कैंडिडेट को देना पड़ेगा। तो ये हालात हैं और ऐसे हालात में देखना ये है कि अगर इसी तरह से चुनाव होता रहा और इसी तरह से लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते रहें तो फिर क्षेत्रीय मुद्दा कहाँ चला जाएगा, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के रह जाएगा। और फिर चुनावी भाषणों में लोग आएंगे, पहुँचेंगे झंझारपुर और बात करेंगे दिल्ली और कश्मीर की, बात नहीं होगी तो वो बिहार के झंझारपुर की। आगे हम आप तमाम लोगों से और भी कुछ लोगों से बातचीत करके अपडेट देंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।